तो कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म हो चुकी है, ठंडी पड़ गई है, तो ऐसे में अब देश के पास मुद्दा क्या होने वाला है? सवाल, मुद्दा जैसा कि दूसरी लहर से पहले वेस्ट बंगाल चुनाव था, तो क्या अब मुद्दा यूपी चुनाव होने वाला है? लेकिन इस सब के बीच जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा, जिनकी कोई बात होने की गुंजाइश भी नहीं दिख रही, तो ऐसे में उनकी बात करने, उनकी आवाज उठाने आज आवाज की टीम एक बार फिर आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं काविंद्र चौहान। तो आज मैं ऐसे वर्ग की बात करने वाला हूं कि जिस कौम ने हमारा पेट पाला, जिस कौम ने हमारी थाली में रोटी सजाई, जिस कौम ने हमारी थाली में सब्जी दिखाई, उस कौम की बात करेंगे, उस वर्ग की बात करेंगे। चुनाव, कोरोना, फिर चुनाव, देश में इतने चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव के बीच जो मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी नजर में मुझको नजर आ रहा है वो ये है कि बीते 7 महीनों से हमारे किसान भाई बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं। वो सिर्फ वहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं, उनकी लड़ाई मौसम से है। उन्होंने सर्द रातें देखी, उन्होंने बारिश का माहौल देखा, अब तपिश में वो वहां पर है, लेकिन इसके बावजूद एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। वो नहीं समझ पा रहे कि किस हालातों में किसान भाई वहां पर बैठे हुए हैं, किन हालातों में वो काम कर रहे हैं, किन हालातों में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनका भी परिवार है जो गांव में है, उनके भी खेत हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे, टुकड़ियों में जाना पड़ रहा है, शिफ्टें लगानी पड़ रही हैं, अपने खुद के खर्चों से वहां रुकना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही और जनता भी इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है। विश्वास करिए, इस वक्त देश में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो आपकी थाली है, आपका खाना है, और आपका खाना जहां से आता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो सड़कों पर है बीते 7 माह से। हम तमाम आरोप लगा सकते हैं, तो उन आरोपों के पीछे क्या कुछ है? ठीक है, आपको लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज नहीं है, आपको लगता है कि वो नाजायज हैं, आप उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार ठहर कर बात करने की कोशिश की नहीं की गई, और इन कोशिश ना करने की हरकतों के चलते आज देश में जब हम उन सड़कों से निकलते हैं, उन जगहों से निकलते हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, और जहां वहां पर हम देखते हैं कि हमारा अन्नदाता एक खाट लगाए तपिश के नीचे बैठा सो रहा है, जाग रहा है, अपना घर परिवार छोड़कर वो यहां पड़ा है इस आस में कि सरकार एक दिन उनकी सुनेगी, लेकिन सरकार नहीं सुनती। इसी पर आज का प्रोग्राम है, और इसी हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश की जनता ये सब देखना शुरू कर दे, क्योंकि आज जो हाल अगर किसानों का है तो कल व्यापारियों का भी हो सकता है, आज जो हाल किसानों का है वो कल शिक्षकों का भी हो सकता है, आज जो हाल किसानों का है वो कल छात्रों का भी हो सकता है, आज जो हाल किसानों का है वो कल महिलाओं का भी हो सकता है। हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, लेकिन उन आवाजों को दबाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि मंशा ही ये है। लेकिन ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इन आवाजों को हम ठहरने ना दें, इन आवाजों को हम शांत ना होने दें। तो आज का आवाज का प्रोग्राम इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं। देश में हर दूसरे मौसम चुनावों पर ही चर्चा होती है। मौसम बदलने से पहले कोई ना कोई चुनाव दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। ऐसे में मुद्दों पर बात बन ही नहीं पाती। एक मुद्दा बड़ी शक्ल ले ही रहा होता है कि चुनाव आ जाते हैं, और चुनावों का होना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। बीते साल कोरोना की रफ्तार कम हुई तो सड़कों पर किसानों की रफ्तार तेज हो गई। तो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसान आंदोलन जो है वो बीते साल से आप समझ लीजिए कि लगातार जारी है, जो रुकने का क्या कहीं थमने का भी नाम नहीं ले सका है। ये बताइए कितना मुश्किल होता है। देखिए लोग ये जानना चाहते हैं, गर्मी का मौसम, आपने बरसात भी देखी, आपने सर्दी के मौसम में भी आप यहीं थे, मौसम बदलते हैं, यहाँ पर कितना मुश्किल होता है कि सड़क जो है उसके बीच में रहना, किस तमाम परेशानियाँ होती हैं, घर परिवार भी होते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए किसान मेरे बेटे, किसान तो मौसमों से ही लड़ता है। 0 से नीचे टेम्परेचर हो जाए जब भी अपने खेत में काम करता है, तपती हुई गर्मी में काम करता है,
बरसात में अगर किसी ने कह दिया एक तुम्हारे खेत की मेंढ टूट गई तो भक्के फावरा लेके जाएगा, चाहे तुल्ली बन रही है, मेरे की पहले मेंढ को रोकेगा। और हमारा जो लड़का है, भाई है, वो देश की सीमा पर फौलाद बन के खड़ा है, वो हम ही तो हैं, और कौन है? किसान हम, जवान हम। पर इन सरकारों ने भूल की है, हमारे साथ में अन्याय किया है, धोखा किया है। पहले दिन खूब हंगामा बरपा, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। किसान बॉर्डर पर ही खूंटा गाड़ कर बैठ गए। किसान घर छोड़कर आए थे, उन्होंने इसे अपनी जंग मान लिया और जीत न मिलने तक मैदान में डटे रहने का फैसला किया। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब बताया गया था कि 40 नेता है, उनको मिलाकर संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, उनके बैनर तले सारे जो किसान है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम सीमाओं पर, ये बताइए। लेकिन धीरे 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 जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, राकेश टिकैत जो थे वो सबसे बड़ा चेहरा बन गए। अभी ये जो आंदोलन पूरा किसानों का चल रहा है, यहाँ की बात करूँ, टीकरी की बात करूँ या सिंगू बॉर्डर की बात करूँ, नेता कौन है? देखिए, ये बात हमारे राकेश टिकैत जी ने भी कह दी है, इनमें हम किसी को बड़ा छोटा नहीं आंकेंगे। राकेश टिकैत जी ने ये बात कह दिया है, हमारा मंच भी वही रहेगा और पंच भी वही रहेंगे, और जो होगा ऐलान सिंगू बॉर्डर से होगा। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली ने देश के सामने किसानों के लिए जनता की भावनाओं को पलट कर रख दिया। भावनाएं पलटी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू और 28 जनवरी की वो शाम कमाल कर गई। किसानों ने एक बार फिर शुरुआत की और शरद रातों से होते हुए आज ये आंदोलन तपिश की रातों में तब्दील हो चुका है। अगर आप मेरी बातों से नाराज ना हो तो ये बताइए, किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, सेंटर से बात चल रही है, इसको लेकर वार्ताएं भी खूब हुई, इस वक्त तस्वीरें देखते हैं कि राकेश टिकैत कभी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, किसान राजनीति नहीं करता। देखिए, ममता बनर्जी से क्यों मिले वो, इसकी भी पूछिए, उन्होंने अपना वीडियो भी दे दिया है। मैंने मुझे उन्होंने एक दिन मंच से भी कहा, हमारे सामने उन्होंने ये कहा, हम ममता से जिस पीड़ा के लिए, किसानों की पीड़ा है, बंगाल में तो यही नहीं जानते MSP क्या होती है, बंगाल प्रदेश तो ये नहीं जाता कि MSP क्या चीज़ है, उनको आज तक फसल का दाम नहीं मिला। तो उन ममता से कहने गए कि आप जीत गए, जो वायदा किया था, हमारे किसान परेशान ना रहे, इसलिए उनको बुलाया और इसलिए वो गए। किसान सरकार से नाराज है, लेकिन सरकार ने भी इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या किया, ये भी देखना अहम है। बाकी किसान भी एक इंसान है, उसका भी घर परिवार है, वो अपने हक की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हर नागरिक की सुनना सरकार का कर्तव्य है। किसानों की बातों को अनसुना करके सरकारें अपने अहम का खुलकर परिचय दे रही हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से जब हमने बात की तो उनका कहना साफ था कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, उनकी मांगे पूरी होंगी तभी रास्ता खाली होगा। अच्छा बाबा, ये बताइए, आप आए कब थे यहाँ पर, कहाँ से आए और कब कब आए थे? देखिए, मैं 1 महीने 3 दिन चिल्ला बॉर्डर पर रहा। पहले हम किसी यूनियन में नहीं थे, मैं जो हकीकत है उसे बता रहा हूँ। और हमने जब TV पर देखते थे तो किसानों के साथ तो ये अन्याय हो गया भाई, जो ये कानून लग गए तो ये तो किसान मर जाएगा। तो हम वहाँ से चल दिए, 2 आदमी हम वहाँ रहे। उसके बाद मुझे आज लगातार 5 महीना यहाँ हो गए हैं। किसानों ने सरकार के बात ना मानने के पीछे की वजह बड़े पूंजीपतियों को बताया है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अगर पूंजीपतियों को लेकर सरकारें किसानों की आवाज को अनसुना कर रही हैं, तो फिर इसका ठोस सबूत क्या है? शायद कुछ भी नहीं। ये बताइए, हमें समझ में आता है आपकी पीड़ा, हमें समझ में आती है, आप इतने महीने हो चुके हैं यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही? बीच में क्या चीज़ है जो अटक रही है? देखिए, बीच में सरकार तानाशाह है, वो किसानों को कहने मात्र थी कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे। ऐसी क्या लड़ाई है आपसे, किसानों से क्या लड़ाई है सरकार की? किसानों को वो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, अगर उनसे बेकार होता, ये पूंजीपतियों ने उनको खरीद लिया है, सरकार को और क्या है लड़ाई हमारी, हमारी क्यों सुनेगी? पैसे वाले की सुनती है दुनिया, जिस पैसे पैसा लिया है, बंगाल में नाप शनाप धुआंधार पैसा बिखरा है, बहाया है, और 5 राज्यों में बहाया है, तो हमारी क्यों सुनेगी? किसान मर जाए। लेकिन इसका ठोस सबूत जरूर है कि किसान परेशान है, कुछ ही सही लेकिन परेशान है।
बच्चे भी पिता की याद में खेत पर खलियान में डटे हैं, बूढ़े माँ बाप अपने किसान बेटे पर गर्व करे हुए हैं, पत्नियां सुहाग की चिंता में हैं, सरकारों को भी काश थोड़ी चिंता होती। तो आपने पैकेज देखे, बाइट देखी, किसानों को सुना, उनकी बातों को सुना, वहां की तस्वीरें देखी, वहां के माहौल को देखा, तो आपने ये चीज समझने की कोशिश की कि उनको इस हाल में डालने का जिम्मेदार कौन है, सरकारें, कानून या फिर हम और आप। इस सब के पीछे हम और आप भी कहीं ना कहीं हैं, जो मुद्दे को मुद्दा नहीं रहने देते, उस मुद्दे को इग्नोर करते हैं या फिर दबा देते हैं। याद रखिए, वर्ग मिल मिल कर ही एक भारत बनता है, छोटे छोटे गांव कस्बे मिल मिलकर ही एक भारत बनता है। तो ऐसे में ये चीज जरूरी है समझना कि किसान यहां पर सड़कों पर है तो इनकी भी आवाज होनी चाहिए, इनको बिल्कुल भी कहीं इनका मुद्दे को हवा नहीं करना चाहिए कि इनका मुद्दा हवा में उड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर जब समाप्त होती है तो हम फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ चले जाएं और फिर उसके बाद हम अन्य चुनाव की तरफ, अगले चुनाव की तरफ जाते रहें, लेकिन इस बीच एक आम किसान सड़क पर, खाट पर, तपिश में ऐसे ही जागता रहे और उसकी आंखें ये सब देखती रहें और सोचती रहें कि मैं अन्नदाता तो हूं लेकिन क्या मुझे वो इस देश ने सम्मान दिया जिसका मैं हकदार था। लेकिन ऐसे में एक मेरा वादा है आप सभी से कि जब भी कहीं भी ऐसी आवाजें जिनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही हो, जिस मुद्दे को वहीं पर अटकाने की कोशिशें हों, वहां पर हम शांत नहीं बैठेंगे और ऐसे मुद्दों को आपके सामने हर बार लेकर आएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जहां अंधेरा है और जहां क्षमा की जरूरत है, वहां पर एक क्षमा जलाने की कोशिश आवाज की टीम हमेशा करती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।